हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का ब्रोकन ग्लास रिप्लेसमेंट करके आपको दिखाने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये दोनों के दोनों जो मोबाइल मेरे पास कुरियर के थ्रू आए हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना मोबाइल कुरियर के थ्रू बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको अपना मोबाइल सही कराना है तो उस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करें और आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्राइस बताने वाला हूँ और आपका ग्लास गारंटी के साथ चेंज होने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमारे इसमें दो मोबाइल निकले थे, दोनों का ग्लास मुझे चेंज करना है। मैंने एक बार आपको टच वगैरह भी चेक करके दिखा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं S21 अल्ट्रा का कंप्लीट ग्लास चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कोनों कोनों से पहले से ही इसमें ब्रोकन है, तो हमें वायर डालने की जगह बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही ग्लास क्रेक है वहाँ से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मोबाइल को एक बार ऑफ़ कर लेते हैं और उसके बाद इस कंप्लीट मोबाइल को मैं खोलने वाला हूँ। खोलने के बाद इसका ग्लास हटाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों, हमारा जो गिववे वाला वीडियो था उसका रिज़ल्ट बहुत जल्द मैं अनाउंस करने वाला हूं। इसके बाद वाली वीडियो जहां तक है, मैं गिववे का वीडियो अनाउंस करने वाला हूं। तो दोस्तों, उस वीडियो का अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो और गिववे में पार्टिसिपेट कर लो। तो दोस्तों, मैं कड़क पन्नी की सहायता से इसके कम्प्लीट ग्लास को हटा लिया है फेविकोल लिक्विड के थ्रू। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पैनल हटा लिया है। तो और फटाफट इसके जो जितने भी स्क्रू वगैरह हैं वो खोल लेते हैं दोस्तों। इसका जो आपको इसके जो जितने भी सामान खोलो, किसी एक सेफ़ बॉक्स में रख दोगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा, जिससे कि इसके कैमरे वगैरह गंदे नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप इधर उधर रख देंगे तो कई बार ये होता है कि आपका हाथ या कोई सामान कैमरे से टच हो जाता है तो कैमरा धुंधला हो जाता है। स्पेशली दोस्तों, कैमरे के लिए आपको सबसे पहले तो सारा सामान खोल के उसको एक बॉक्स में सेफ तरीके से रखना है। तो ये ज़्यादा सिंपल और अच्छा तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका कंप्लीट में जितना भी सामान लगा हुआ है, इसमें पत्ते, मदरबोर्ड, नीचे का चार्जिंग बोर्ड, सारी चीज़ें खोल कर है और बैटरी भी निकाल कर फिर इसके बाद इसको सेपरेटर के थ्रू इसका कंप्लीट ग्लास उतारने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसकी बैटरी को भी रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों, कड़क पन्नी की सहायता से या फेविकोल लिक्विड हल्का सा डाल के आप बहुत ही आसानी से इसकी बैटरी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कंप्लीट इसके पार्ट्स को खोल लिया है, फ्रंट कैमरा भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका कंप्लीट टियर डाउन मैंने आपके सामने कर दिया है। इस तरीके से आपको किसी एक सेफ़ बॉक्स में अच्छे से सारे सामान को रख कर बॉक्स को ढककर रख देना है। तो चलिए दोस्तों, इसका ग्लास मैं उतारने वाला। तो दोस्तों, ये सेपरेटर है, 360 तक ये रोटेट हो जाता है। आपको इस टाइप का सेपरेटर लेना है, इस पर इस तरीके से मोबाइल को होल्ड कर लेना है जिससे कि आपका मोबाइल इस पर से हिलेगा नहीं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ वायर डालने की जगह पहले से थी, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बहुत ही आसानी से हमारा वायर ग्लास के अंदर चला गया है। आप भी ये तरीका इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा एज कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे चैनल पर जाओ, वहाँ ज्वाइन बटन होगा। एज का कोर्स आप 1200 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, 1199 रुपये। तो दोस्तों, इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बताई है, एक एक चीज़ आपको तरीके से बताई है, बिना किसी फास्ट के, बिना किसी कटिंग के, एक एक चीज़ डिटेल से आपको उस कोर्स में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे ज्वाइन बटन पे जाओ, वहाँ पर 1199 रुपये का कोर्स है एज का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, कई बार ये होता है कि आपकी डिस्प्ले में वायर डालने की जगह भी नहीं होती, तो उसमें मैंने हर एक चीज़ डिटेल से बताया किस तरीके से आपको कांच को हटाकर वायर डालने की जगह बनानी है, एलसीडी को किस तरीके से निकालनी है, सारी चीज़ें आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल से उस कोर्स में मिलने वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से इसका मैं कंप्लीट इसमें ग्लास उतारने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ, 0.03 mm का वायर यूज़ कर रहा हूँ। 0.4 भी कर सकते हैं, लेकिन 0.3 mm बहुत ही ज़्यादा पतला वायर होता है। वो जो राउंड वाली जगह होती है ना, वहाँ में घुमाने में बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे तो आप 0.4 mm यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो राउंड वाली जगह होती है ना घुमाते टाइम, वहाँ 0.3 mm यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों।
इस तरीके दोस्तों इसका मैं कंप्लीट ग्लास उतारने वाला हूँ। ग्लास उतारने के बाद सबसे पहले तो आपको एलसीडी चेक कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद इस एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने वाला हूँ। दोस्तों फ्रेम से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से इसका ग्लास उतारना और एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालना बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। और जिसको भी हमारा एज कोर्स ज्वाइन करना है वो कंप्लीट ऑनलाइन है दोस्तों, वीडियो के थ्रू हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, लेकिन कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी। मतलब एक मोबाइल का एक एक चीज़, मतलब जितना टाइम लगता है ना, कंप्लीट एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ बिना किसी एडिटिंग के। और उसमें अलग से शानदार शानदार ट्रिक्स भी हैं दोस्तों, उसको भी जाके देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखकर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसका ग्लास उतारने में कई बार बहुत टाइम लगता है, तो आप बहुत ही प्यार से धीरे धीरे उतारें, सब्र करके उतारें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है कंपनी में इसकी डिस्प्ले 18,000 के आसपास की है, तो उस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे उतारना है, ओनली स्पेशली राउंड वाली जगह है ना, वहाँ ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जब वायर को घुमाएं तो बहुत ही प्यार से नाजुक हाथों से धीरे धीरे घुमाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस एलसीडी को उतारने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आपको टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, टाइम लगा के ग्लास चेंज करें, क्योंकि डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा, तो ही आप प्रॉपर तरीके से इसका ग्लास चेंज कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने राउंड वाली जगह पे से भी घुमाकर बहुत ही आसानी से लगभग कंप्लीट ग्लास उतार लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका कंप्लीट ग्लास मैंने उतार लिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों एक बार इस एलसीडी को इस सेपरेटर से हटा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक बार एलसीडी चेक करा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार सेपरेटर से इसको हटा लिया मैंने, थोड़ा इसको हल्का थोड़ा बहुत ठंडा होने दे, और जब तक ठंडा ना हो उससे पहले ही आपको इसका जो मोटा मोटा ग्लू आपको लगे उसको हैंड टू हैंड साफ कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। इस पर हल्का सा ही मोटा मोटा ग्लू था ऊपर, वो मैंने साफ़ कर लिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार मोबाइल को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारी डिस्प्ले किस तरीके से उतरी है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने मदरबोर्ड और बैटरी लगाकर इस तरीके से मैं एक बार मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये डिस्प्ले है बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको पूरा ऑन करके एक बार टच वगैरह भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इसकी टच वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। आप भी इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका ग्लास उतार सकते हैं दोस्तों। और इस तरीके से इसकी डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों एक बार मोबाइल को ऑफ कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका जो एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने का तरीका बताने वाला हूँ। उस तरीके को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि एलसीडी को ही निकालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस पूरे काम में दोस्तों। वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको मशीन में दोबारा होल्ड कर लिया है। अब दोस्तों जो कड़क पन्नी होती है और तार पिन लिक्विड होता है उसकी सहायता से मैं एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने वाला हूँ। तो दोस्तों आप एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना, इसके पत्ते वगैरह किधर आते हैं एक बार देख ले, ऐसा नहीं कि आप पन्नी चला रहे हो उन पत्तों को ही काट दें, क्योंकि इसमें दो पत्ते आते हैं, एक तो एस पेन का पत्ता आता है और एक डिस्प्ले का पत्ता आता है। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको पीछे से देख लेना है कितना कहाँ कौन सी जगह पे कौन सा पत्ता आता है, और उसी को देखते हुए एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालना है दोस्तों। उस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना दोस्तों, कई लोग ध्यान नहीं देंगे तो एस पेन का ज़्यादातर पत्ता काट देंगे, क्योंकि डिस्प्ले का पत्ता तो बीच में आता है, एस पेन कट का पत्ता कटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो एक बार आप ध्यान से देख ले पत्ता किधर है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका बहुत ही जो डिस्प्ले होती है, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन प्यार से धीरे धीरे करके आप इसका कंप्लीट एलसीडी को बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। सब्र का काम है दोस्तों, सब्र से काम करो, प्यार से काम करो, और ये दिमाग को एक ही जगह रखोगे ना तो आसानी से कर लोगे। अगर घबरा के काम करोगे तो 100% ख़राब ही करोगे दोस्तों। तो दोस्तों बिना घबराए अपने दिमाग को माइंड को एक जगह रखकर प्रॉपर तरीके से उसको निभा के काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपना ग्लास चेंज कर लेंगे दोस्तों।
और दोस्तों अगर आपको भी अपना मोबाइल कुरियर के थ्रू सही कराना है तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज में आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो कंप्लीट डिटेल, मेरा एड्रेस, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की फ़ोटो भेजनी है, बंद मोबाइल में भेजनी है और वाइड डिस्प्ले भी भेजनी है, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगी आपकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका ग्लास चेंज है, ग्लास ब्रोकन है, तो ग्लास बहुत ही वाजिब प्राइस में आपका ग्लास चेंज होने वाला है दोस्तों। और डिस्प्ले चेंज करानी है तो आपको डिस्प्ले ओरिजिनल भी मिल जाएगी हमारे पास। तो दोस्तों आपको जो भी काम कराना है तो आप मुझे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर व्हाट्सअप मैसेज करो और अपने मोबाइल की फ़ोटो भेजो, तो उस तरीके से आप अपना कोई सा भी मोबाइल सही करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कड़क पन्ने की सहायता से इसका मैं कंप्लीट LCD को फ्रेम से बाहर निकाल रहा हूँ। दोस्तों नीचे से कोने से थोड़ी ज़्यादा चिपकी हुई रहती है, तो वो नाजुक हाथों से, कड़क पन्नी से मैंने उसको भी खोल लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट डिस्प्ले फ्रेम से बाहर निकल चुकी है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको फ्रेम से भी कंप्लीट बाहर निकाल लेते हैं। LCD तो रिमूव हो गई है, एक बार फ्रेम से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये LCD कंप्लीट बाहर निकल गई है। तो सबसे पहले निकलते ही आपकी इसको, आपको सबसे पहले तो इसकी जो पीछे जो ग्लू लगा हुआ है ना, जितना भी ग्लू लगा हुआ है या लिक्विड लगा हुआ है, उसको अच्छे से पहले तो साफ़ कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, जो इसकी टेपिंग आती है और ये जो जितना भी लिक्विड लगा हुआ था, मैंने उसको सबसे पहले तो अच्छे से साफ़ करने वाला हूँ और इस टेपिंग को भी हटा ले दोस्तों। जितनी भी टेपिंग लगी रहे सबको हटा ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि पंचिंग के वक्त भी इसको हटाना ही पड़ेगा। तो अभी ग्लू गर्म है तो आसानी से हट जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार डिस्प्ले को ऑन करके आपको मैं डिस्प्ले चेक करा देता हूँ कि हमारे डिस्प्ले सही है या नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस मोबाइल को ऑन कर लिया, हमारी डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों इसकी टच वगैरह मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम कर रही है LCD को फ्रेम से बाहर निकालने के बाद भी। तो दोस्तों हमारी डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है, टच भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारी ये टच कंप्लीट काम कर रही है दोस्तों। आप भी ये तरीका फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से LCD को फ्रेम से बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों जिसको भी एज कोड ज्वाइन करना है, हमारे चैनल पे चल जाओ, ज्वाइन बटन पे चल जाओ, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल रखा है, कोर्स में क्या क्या वीडियो है वो भी, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जिसको भी कुरियर के थ्रू अपना मोबाइल सही कराना है तो करा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने LCD को भी बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसकी LCD को तारपिन लिक्विड की सहायता से साफ़ करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने इस तरीके से तारपिन लिक्विड पूरी LCD पर डाल लिया है, फिर उसके बाद कड़क पन्नी की सहायता से इसको कंप्लीट हटाने वाला हूँ। आप भी ये तरीका बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों कड़क पन्नी की सहायता से इसके कंप्लीट ग्लू को मैं साफ करने वाला हूँ, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। दोस्तों ये जो कड़क पन्नी होती है OC की वेस्ट पेपर होती है। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको ग्लास वगैरह चेक करा के दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा ग्लास आता है मार्केट का। तो दोस्तों ये सैमसंग गैलेक्सी S21 Ultra का विथ OCA वाला ग्लास है। दोस्तों अगर आप एज की डिस्प्ले की पंचिंग करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप विथ OCA वाला ग्लास ही यूज़ करें। कई लोग ग्लास पे OCA लगाते हैं, वैसे लगने में प्रॉपर लग जाता है लेकिन होल कट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर कंप्लीट बिल्कुल ओरिजिनल OCA, मतलब इनका प्रॉपर OCA भी मिलता है मार्केट में, अगर आप OCA भी लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा, लेकिन आप मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप विथ OCA वाला ग्लास ही यूज़ करें। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्लीट LCD को साफ़ करना है और OCA का जो वेस्ट पेपर होता है ग्लास का, उसको हटाना है दोस्तों। और दोस्तों LCD को मैं अंदाजे से रखने वाला हूँ, उस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। आपको होल से होल मिला रहा है, जो कैमरे का होल है और जो ग्लास का होल है, अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से मिला दिया तो बहुत ही सीधी डिस्प्ले लगेगी। और इस मैजिक मोल्ड में मैं इसकी पंचिंग करने वाला हूँ दोस्तों। कंप्लीट डिटेल वीडियो भी देखना है तो आपको आप मेरे एज कोर्स ज्वाइन कर लो। एज कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल पर जाओ, ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ आपको एज का कोर्स मिल जाएगा 1200 रुपये में। तो दोस्तों यहाँ मैं एक बार टाइमिंग बता देता हूँ, जो हमारी जो पंचिंग का टाइम है, होल्डिंग टाइम मतलब वैक्यूम टाइम, तो हमारा इसमें 100 सेकंड का होने वाला है, और जो डिस्प्ले को दबा के रखती है होल्डिंग टाइम ओनली 10 सेकंड का है दोस्तों। और प्रेशर वगैरह आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैं 60 तक ले जाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी पंचिंग बहुत ही शानदार हुई है। एक बार मैं मोबाइल को ऑन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके की पंचिंग हुई है और डिस्प्ले हमारी कैसी है। तो दोस्तों ये शानदार पंचिंग हुई है, हल्के हल्के से बबल है कोने कोने में।
ये बबल रिमूवर में डाल के आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ हमारी डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है, तो दोस्तों अपना भी आप ओरिजिनल काम करा सकते हैं बहुत ही आसानी से, मेरे पास कुरियर के थ्रू अपना मोबाइल भेज सकते हैं। मेरे पास ऑल इंडिया से बहुत मोबाइल आते हैं दोस्तों, अगर आपको भी सही कराना है तो सही करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसका बबल वगैरह निकाल लिया है कम्प्लीट। अब मैं इस LCD को फ्रेम में पैक करने वाला हूँ। दोस्तों LCD को फ्रेम में पैक करने के लिए इसका जितना भी ग्लू है ना उसको कम्प्लीट साफ़ करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इसकी ओरिजिनल टेपिंग के थ्रू भी इसकी पैकिंग कर सकते हैं और ग्लू की थ्रू भी इसकी पैकिंग कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से मैंने ग्लू लगा लिया है दोस्तों। अब मैं इसके जितने भी सामान मैंने स्टार्टिंग में जैसे खोले थे वैसे के वैसे ही प्रॉपर तरीके से लगाने वाला हूँ, और उस तरीके को आपको भी फॉलो करना है दोस्तों। इस तरीके से इसका मदरबोर्ड, चार्जिंग पत्ता, पत्ते, सारी चीज़ें मैं लगा कर एक बार कम्प्लीट सारी चीज़ें लगा कर एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमारी जो डिस्प्ले की जो बनने की फिनिशिंग आई है बहुत ही शानदार फिनिशिंग आई है, और इस तरीके से आप भी बहुत ही शानदार फिनिशिंग से इसका ग्लास चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट इसके स्क्रू लगा लो आप, देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से इसके सारे सामान मैं लगा रहा हूं। आप भी ये तरीका फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिसको भी हमारा एज कोड ज्वाइन करना है वो कर सकता है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है। और जिसको अपना मोबाइल सही कराना है दोस्तों, कंप्लीट डिस्प्ले की रिस्क मेरी रहती है। अगर आप मेरी रिस्क पे काम कराना चाहते हो तो 101% ओरिजिनल काम होने वाला है दोस्तों, और आप मेरी रिस्क पे भी काम करा सकते हो, खुद के भी रिस्क पे काम करा सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर मेरी रिस्क रहती है तो मैं आपको कंप्लीट डिस्प्ले ओरिजिनल लगा के देता हूँ। अगर आप खुद की रिस्क ले लेते हैं और जिसमें प्राइस भी दोस्तों कम हो जाती है, अगर आपको प्राइस कम प्राइस में अपना ग्लास चेंज कराना है तो आपको खुद की रिस्क पे काम कराना होगा दोस्तों। मेरी रिस्क पे मैं थोड़े बहुत प्राइस इंक्रीज़ आपको मिलेगी, लेकिन कंप्लीट डिस्प्ले की रिस्क मेरी रहेगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस डिस्प्ले ख़राब भी हो जाती है तो मैं 101% ओरिजिनल डिस्प्ले लगा के देता हूँ दोस्तों। वैसे तो डिस्प्ले ख़राब होती ही नहीं है, बाई चांस हो भी जाती है दोस्तों, तो अगर रिस्क मेरी है तो मैं ओरिजिनल डिस्प्ले लगा के देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी कंप्लीट डिस्प्ले तैयार हो गई है, फिनिशिंग तैयार हुई है। आप ये तरीका फॉलो करके बहुत ही आसानी से कोई सी भी डिस्प्ले का ग्लास चेंज कर सकते हैं।